और नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं जे एंड के अंडर वो हम आज इसमें कवर करेंगे और जाने हैं कि हमारे पास जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर वो कितने हमें मतलब किस किस चीज़ पर हमें ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है ओके तो फिर ठीक है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं सीधे लेक्चर के ऊपर और स्टार्ट करते हैं ठीक है ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के ठीक तो ओके ठीक है तो अगर मैं बात करूं जोग्राफी ऑफ जे के अंदर तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे पार्ट कवर करने वाले हैं वो पार्ट कवर करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ठीक है और अगर नेशनल पार्क्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारे पास नेशनल पार्क है वो है यहाँ पे डिचिगम दचि गम बोल लो या डचीगम बोल लो ठीक है तुम्हारी प्रोनाशिएशन के ऊपर है दचिगम नेशनल पार्क बेसिकली ये जो पार्क है ना ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक दस गाँव गाँव थे मतलब टेन विलेजेस के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे यहाँ पे दस गाँव थे ठीक है जिसके ऊपर इस सेंचुरी uh, का सॉरी इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है ठीक है और अगर इसकी बात करूँ इसकी लोकेशन की बात करूँ इट इज़ लोकेटेड ट्वेंटी टू तु किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर श्रीनगर से कुछ बाईस किलोमीटर की दूरी पर है ये और जो इसका एरिया है वो कितना कवर करता है वन फोर्टी वन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है 141 किलोमीटर का एरिया 141 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर वहाँ पे करता है तो अगर बाय चांस मेरे मतलब जो भी यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी मेरे दोस्त हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये पढ़ रहे हैं और अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है धचीगम नेशनल पार्क के अगर यहाँ नेशनल पार्क के ऊपर तो अगर वो पूछते हैं कि हमें बताइए कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ओके okay, जिसके अंडर हम हमें जो यहाँ जिसका नाम दस गाँव के ऊपर पड़ा है ओके okay, या फिर जिसका एरिया ऑलमोस्ट वन uh, फोटी वन uh, स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है तो तुम्हें अब ये चीज़ पता है कि ये जो कौन सा है uh, नेशनल पार्क है वो है दैचीगम नेशनल पार्क उसके बाद अगर इसके बारे में फ्लोरा एंड फूना की बात करूँ फ्लोरा और फूना नीचे है ठीक है फ्लोरा की बात करूँ फ्लोरा बेसिकली मैं बच्चों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्लोरा जो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स या फिर फ्लावर्स बोल लो या प्लांट्स बोलो फ्लोरिकल्चर के बारे में आप लोग सब ने सुना ही होगा तो जो भी वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो फ्लावर्स और प्लांट्स ग्रो करते हैं ठीक है या मिलते हैं उसे हम फ्लोरा बोलते हैं ठीक है तो कैनिफ्यस uh, फॉरेस्ट है यहाँ पे जो इसका uh, अगर मैं आप बात करूँ कि किस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं आपको इस नेशनल पार्क में तो कैनिफ्यस फॉरेस्ट के टाइप के आपको यहाँ पे फॉरेस्ट मिल जाएंगे और ये एक चीज़ काफ़ी यहाँ के जो एक फिश है ट्राउट फिश है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे तो ये आपकी फ्लोरा की बात होगी और ये ट्राउट फिश बेसिकली फ्लोरा के अंडर तो नहीं आता बट मैंने आपका ये एक चीज़ यहाँ पे एड कर दी थी और अगर उसके बाद मैं फूना की बात करूँ फूना बेसिकली जैसे फ्लोरा प्लांट्स के साथ डील करता है वैसे फूना किसके साथ एनिमल्स के साथ डील करेगा तो अगर फ्यूना की बात करूँ एनिमल्स के साथ तो यहाँ पे जो मेन अगर इसकी अगर स्पीशीज़ की बात करूँ या स्पेशलिटी बोलूँ या फिर बोलूँ कि काफ़ी जो प्रोमिनेंट है यहाँ पे जो एक एनिमल जो है वो है हंगुल हंगुल कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है जैसे कि मैं पहले भी एक बारी इसके, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ ओके तो ये स्टेट एनिमल है हमारा तो ये यह हम यहाँ पे हमारा ये काफ़ी ज़्यादा ये स्पीशीज़ काफ़ी वेल well नोन है इस आ, क्या कहते हैं डे नेशनल पार्क के अंदर और यहाँ पे आपको मस्क डियर भी दिख जाएगा लैपड भी दिख जाएगा इस तरह से मैंने यहाँ पे ये यह पूरा एक ये पूरी क्लिस दे दी है जब आप ये मैंने पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे नीचे मैंने टेलीग्राम दोनों टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल्स के लिंक दिए हैं और जिस बच्चे को टेलीग्राम नहीं पता इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक व्हाट्सएप ओके तो आप जाके व्हाट्सअप की तरह ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा वहाँ जाके आप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपको वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो एक बार ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो ओके तो तुम्हारा इसमें क्या है कि एक अच्छी बात यह है कि तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और तुम मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा पहले उतारूँगा बोर्ड से देख के ठीक है पॉज करूंगा उतारूंगा तो वो सब तुम्हारे लिए थोड़ा, तो पूरी पूरी थोड़ा तो नेक्स्ट नेशनल पार्क के आगे, अगर बात करूं तो काजीनाग नेशनल पार्क काजीनाग नेशनल पार्क की बात अगर हम यहाँ पे करें ठीक है की जाए तो काजीनाग नाग नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ठीक है Uh, अगर काजीनाग के ऊपर अगर ये यहाँ पर ये मैं क्यों ये पढ़ के बताता हूँ इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है कि मैं इसको सब हर चीज़ को जो पढ़ के सुना रहा हूँ तो जो चीज़ मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना उसके ऊपर मेनली क्या हो सकता है कि हमें क्वेश्चन आ सकते हैं और काजीनाग की अगर बात करूँ तो वो उसकी डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है काजीनाग नेशनल पार्क की तो वो बारा बारहूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है ओके तो और उसके साथ में एक चीज़ और है कि ये बेसिकली जो ये नेशनल पार्क है ना ये एक प्रपोजल के अंडर आता है ठीक है जो जिसमें हमने क्या किया था जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक प्रपोजल था ठीक जिस है जिसमें पीस पार्क बोलते हैं काराकोरम पीस पार्क पीस पार्क इसका एक नाम और इसको जाना जाता है ठीक है ट्रांस काराकोरम पीस पार्क के नाम से ये जाना जाता है ठीक है जिसका जो हमारा जो ट्रीटी थी या प्रपोजल था जो किसके साथ एग्री किया था हमने पाकिस्तान के साथ किया था ओके okay? और दूसरी बात इसके पार्क के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इस पार्क में सत्रह स्पीशीज़ मिलती हैं आपको एंडेंजर्ड और यूनिक बटरफ्लाइज की ओके okay? तितली रहती है ठीक है उसकी सत्रह स्पीशीज़ आपको इसके अंडर मिल जाएगी वो आपका इतना ज़्यादा मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो सत्रह की सत्रह स्पीशीज याद करने के लिए ठीक तो है तो इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए तो इतना जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मै एम टेलिंग यू ऑल दिस स्टफ ठीक है तो ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे जो अगर मैं मैमल्स की बात करूँ एनिमल्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्वेंटी स्पीशीज़ जो बताई जाती हैं काफ़ी मेन है जो पता चलती हैं और जिसके अंडर एक जो काफ़ी प्रोमिनेंट है ठीक है की एनिमल जिसको बोलते हैं मारखोर मार्खोर बेसिकली ये ना नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का तो इसलिए भी एक ये बेसिकली गोट रहती है ठीक है स्पाइरल अपने हॉर्न्स के साथ तो ठीक है ये इसका मैंने कैपरा फेलकॉर ठीक है कैपरा फेलकॉर्नी ये इसका साइंटिफिक नेम है ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो इसके साथ काजीनाग नेशनल पार्क के सारी हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने पढ़ ली है और नेक्स्ट हम चल रहे हैं उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क के ऊपर किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करूं तो जस्ट लाइक इसके नाम के जैसे आपको पता है कि इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी किश्तवाड़ ही होगी जम्मू एंड कश्मीर के अंडर ओके okay? किश्तवाड़ ही होगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और अगर बाउंड्रीज़ की बात करूं तो नॉर्थ से ये रेनी रिवर से घिरा हुआ है साउथ से ये खेबर नाला केचमेंट के साथ घिरा हुआ है ईस्ट से ये ग्रेट डिवाइड हिमालय डिवाइड दिवा, हिमालय या ग्रेट हिमालयन डिवाइड को बोल लूँ ठीक है उसके साथ घिरा घिरा हुआ है और वेस्ट से ये मारवा रिवर के साथ घिरा हुआ है तो इसकी ये चारों के चारों ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये मार्क करवा दी है और ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया था चार फेबर नाइनटीन ठीक है और इसका जो एरिया है वो 400 किलोमीटर एरिया के का जो इसका जो प्रॉपर एरिया है वो 400 किलोमीटर एरिया इसका बताया जाता है तो इसमें भी हमने किश्तवाड़ नेशनल पार्क में भी हमने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें डन कर लिया है और एक बार ही आप जब पी मिल जाएगी तो इसको अच्छे से रीड आउट भी कर लेना ताकि आपका ये जो सारी सारी चीज़ें आपको आराम से ओके okay, आपको रिटेन हो जाए तो ओके okay, तो फिर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं सलीम अली सलीम अली नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क बेसिकली ये नेशनल पार्क है तो श्रीनगर के अंदर ही है लोकेटेड इन श्रीनगर बट ऑर्निथोलॉजिस्ट है ये ठीक है ऑर्थिनोलॉजिस्ट क्या होते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन से होते हैं जो बेसिकली ये वो स्टडी है जो बर्ड्स के ऊपर की जाती है बर्ड्स के डिफरेंट स्पीशीज को पढ़ने के लिए ठीक है जो की जाती है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं और औरथिनोलॉजी बोलते हैं और ये जो सलीम अली जी थे ये इंडिया के बहुत ही प्रोमिनंट फिगर थे ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ये ओके और ये इनके नाम के ऊपर यहाँ इन ये नेशनल पार्क का नाम डाला गया है और जिसका ये जो एरिया है नेशनल पार्क का दैट इज़ अराउंड 9.07 स्क्वायर किलोमीटर अब ये जो एरिया मैं जो बार बार आप बच्चों को बता रहा हूँ कि एरिया इतना एरिया एरिया इतना है तो ना वो आप लोगों को शायद इंक्रीजिंग अब एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है ओके तो शायद वो ये भी पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरिया बता दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरिया बता दो सबसे बड़ा नेशनल पार्क बता दो सबसे छोटा नेशनल पार्क बता दो इस वजह से मैं तुम लोगों को इसका एरिया भी कवर करवा रहा हूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को छोड़ना मत आप एक बार ही बार बार जब तीन चार बार आप रिपीट करोगे पढ़ाई को तो आपको रिटेन हो ही जाएगा ओके और अगर मैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की जो स्पेशल फीचर्स हैं इस वाइल्ड लाइफ अपना सॉरी नेशनल पार्क के ठीक है वहां पे हंगुल है मस्क डियर है ठीक है हिमालयन ब्लैक डियर है लेपर्ड है इस तरह से काफी सारे ये मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी एक आपको लिस्ट दे दिया और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के टू थाउजेंड में दो में ठीक है इसको कन्वर्ट कर दिया था गोल्फ फ़ोर्स के बीच में तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा हमारा नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था एक गोल्फ़ फोर्स के बीच में तो नाउ यू नो दैट द नेम इज़ सलीम अली नेशनल पार्क ओके तो ठीक है फिर इतना अभी नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ लिया अब सीधे आ जाएंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ठीक है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि हम सब जानते हैं ठीक है नाम में वाइल्ड लाइफ है तो ठीक है ये सपोर्ट किसको करेगी वाइल्ड लाइफ को करेंगी तो मेन वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन होती हैं यहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम आप भी बात करने वाले हैं तो नंदनी वाई नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो ये छब्बीस किलोमीटर जम्मू से दूर है ठीक है और नेशनल हाईवे किस पे है ये वन ए पे ओके तो नेशनल हाईवे वन ए पर अगर कभी पूछ लिया जाए कि नंद कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नेशनल हाईवे वन ए के ऊपर आती है तो अब आप लोगों को पता है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मैं ये सब चीज़ें साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए बाकी इसमें कुछ इतना ज्यादा मेरे को बताने के लायक लग नहीं रहा जो यहां पे मेन वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन हैं ठीक है वहां पे गराल, गराल एक, गराल है ब्लू रॉक पिजन हैं तो ये सब चीजें आपकी यहां पर वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन में आ जाती हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है सुरिंसर या मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुरिंसर और मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो यहाँ पे क्या था कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये है इसका नाम ही बेसिकली दो लेक्स के ऊपर पड़ा है ठीक है जो दोनों कॉर्नर्स के ऊपर है ओके एक का नाम सुरिंसर है और एक का नाम मानसर है ठीक और यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इट हैज बिन नेम्ड आफ्टर टू लेक्स लोकेटेड ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द सेंचुरी आई एम सॉरी बच्चों किसी को अगर बीच में लाइन अगर लग गई हो तो यार ये मत बोलना सर बीच में पढ़े नहीं जा रहा ठीक है वो सीधी लाइन खींचती नहीं है मैं ठीक है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे तो सेंचुरी है ठीक है और ट्वेंट नाइन्टी एट स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है और ये जो जम्मू से ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर दूर है और इसकी जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन है वो मैंने यहाँ पे ये यह आपकी यहाँ पे लिख दी है जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप इसकी वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन को एक बारी पढ़ लेना और एक बारी फ्लोरा कल्चर को भी पढ़ लेना यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं मिक्स शर्ब फॉरेस्ट है यहाँ पे मिक्सड शर्ब फॉरेस्ट है यहाँ पे जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है ओके okay? तो एक इसको एक बारी रीड आउट कीजिएगा मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा ओके okay? तो इसी के साथ हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलने वाले हैं वो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छा अब मैं बात करूँ आप बच्चे अगर ये पूछेंगे कि सर हमें ये बताओ कि आपने तो ठीक है ये वाइल्ड लाइफ सैंचरीज तो बता दी अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो क्वेश्चंस बेटा यही आएंगे जैसे मैंने आपको नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अभी बताया था तो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बोलूँ तो कौन, कौन से नेशनल हाईवे टच करता है उसको ठीक है मेन अट्रैक्शन पूछ लेगा ठीक है कहां पे उसकी लोकेशन पूछ लेगा जैसे अभी ये जितनी भी थी हमने अभी जम्मू की पढ़ी है ठीक है तो जसरोटा है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करूं जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रिवर के ऊपर है तो उज रिवर के ऊपर है ठीक है तो ये सब वो पूछ लेता है जैसे यहाँ पे ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर अब जब, जब हम डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है तो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज तो ये काफी मेन पॉइंट है सरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ठीक है तो ये इस तरह से जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको काफी सारे पॉइंट मिलेंगे जिसके ऊपर आपको ठीक है पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक जो तो आ, बात करूं जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में स्प्रेड स्प्रे, ओवर एन एरिया ऑफ टेन स्क्वेयर किलोमीटर दस स्क्वेयर किलोमीटर का एरिया इसका कुछ ज्यादा नहीं कम ही है ओके रिच इन फ्लोर एंड फूना काफी ज्यादा रिच माना जाता है इसको फ्लोर एंड फूना के बीच में ठीक है और नेचुरल हैबिटेट है काफी मैमल्स uh, के लिए या फिर और काफी एनिमल्स के लिए ठीक है जैसे यहाँ पे चीता है वाइल्ड बोर है ठीक है रिसस मंकी एक प्रजाति रहती है ठीक है uh, मतलब मंकीस की ठीक है रिसस ठीक है एक मंकी की बीच में प्रजाति रहती है ये ये यहाँ ये सब चीजें आपको यहाँ पे जो सरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर देखने को मिल सकती हैं ओके तो इसके साथ हमने जो सरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कवर कर लिया उसके साथ में अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ गई है वो है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है तो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम बात जब करने वाले हैं तो इसमें ये चीज़ आएगी ऑकुपाइंग एन एर ऑकुपाइंग एन एरिया ऑफ थर्टी वन स्क्वायर किलोमीटर राम रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेट ओनली सिक्स किलोमीटर अवे फ्रॉम द जम्मू सिटी ठीक है तो इत, सिर्फ छः किलोमीटर ही दूर है यहाँ से जम्मू सिटी से और एक चीज इसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नील गाय नील गाय एक मतलब तरह का गायें रहती है ठीक है काव है ठीक है तो ये यह यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि नील गायें कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखती है हमें अगर देखने को अगर हमें एक आ, देखना चाहे नील गायें को तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें नील गाय दिख सकती है ठीक है प्रोमिनेंटली तो वो अगर आपका आंसर क्या होगा रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर बाकी मैंने यहाँ पे काफी पंद्रह स्पीशीज ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पे मतलब आपको मिलते हैं फिफ्टीन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स भी मिलते हैं तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं ठीक है, है? ब्लू रॉक पिजन दिख जाता है यहाँ पे ठीक है पी फॉल दिख जाता है रेड जंगल फॉल दिख जाता है तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीजें हैं

तो इसके बारे में बात करें इट इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी सिक्स किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर ठीक है और स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ थर्टी टू पॉइंट टू सेवन स्क्र किलोमीटर ओके तो इसका जो एरिया है वो थर्टी टू पॉइंट टू सेवन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और अप्रोक्सीमेट अप्रो, अप्रोक्सीमेटली श्रीनगर से कितना दूर है ये सेवनटी सिक्स किलोमीटर दूर है और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर नियर पहलगाम तो क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ ईस्ट ऑफ द श्रीनगर या फिर पहलगाम के पास कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिल सकती है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट होती है तो उसका नाम क्या होगा ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके साथ में यहाँ पे जो प्रोमनेंटली क्या क्या आपको देखने को मिलेगा कौन से मैमल्स एंड एनिमल और बर्ड्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इसमें यहाँ पे मार्क कर दिए हैं तो क्योंकि मैं इतना ज्यादा इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों का टाइम मैं इतना ज़्यादा लूँ क्योंकि टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का आपको मैथ्स भी पढ़ना है आपको रीजनिंग भी पढ़नी होती है है ना तो आपको उसके साथ में जी भी करनी है अकाउंट्स जो, जो बच्चे अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं उनको अकाउंट्स भी करना है और काफी मतलब हर बच्चा हर तरीके की अपनी अपनी तैयारी कर रहा है तो हर एक आप टाइम मतलब थोड़ा सा बचाना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों का टाइम जितना ज़्यादा हम इफेक्टिवली अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो उतना टीचर्स भी जितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करें उतना अच्छा है तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ हम नेक्स्ट अपने आ जाते हैं ठीक है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर अगर हम बात करें हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन शोपियाँ डिस्ट्रिक्ट शोपियाँ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की ठीक तो वहाँ पे ये हमें वहाँ पे इसकी अगर लोकेशन कभी आ जाएगी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हमारे हमें हिरपोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेट होती है तो हमारा आंसर क्या होगा शोपिया ठीक है सेवेंटी किलोमीटर साउथ ऑफ श्रीनगर ध्यान रखना ये चीज़ क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में तो इस चीज़ को ध्यान रखना ठीक है और अगर मैं इसका एरिया बोलूं तो एरिया कितना है 341 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ठीक है नॉर्थ से ये लेक गुमसर से है और ये सब पढ़ लेना ठीक है नॉर्थ ईस्ट से कहाँ पे है ईस्ट में कहाँ से है वेस्ट में कहाँ से है ये सब मैंने पीर पंजाल पास वेस्ट में पीर पंजाल पास पढ़ते हैं तो ये सब मैंने यहाँ पे आपको एक डिटेल में यहाँ पे प्रिसाइज्ड एंड डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे ये यह चीज़ें सब लिखवा दी हैं और जो इसका मेन अट्रैक्शन हैं वो भी मैंने नीचे यहाँ पे सब आपके जैसे हिमालयन ब्राउन बियर है हिमालयन ब्लैक बियर है मस्क डियर है लेपर्ड है ठीक है तिबेतिन वुल्फ है तो ये सब चीजें मैंने आपको इसमें आगे मार्क करवा दी हैं तो ये नीचे जो है ये टेलीग्राम लिंक है हम दोस्तों, हम दोस्तों हमारा ठीक है ये टेलीग्राम लिंक मेरा है और ये टेलीग्राम लिंक हमारे चैनल का है तो दोनों में से जिसके ऊपर आपने आना आप आइए ठीक और वहां पे आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं और पी से आप इसको एक बारी डिटेल स्टडी खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि डिटेल स्टडी करोगे तब भी एग्जाम क्रैक होगा ठीक ये कोई भी टीचर हो जाए तो वो मतलब कुछ भी घोट के तो पिला नहीं सकता आप लोगों को तो जो भी है तुम्हें खुद से भी डिटेल स्टडी करने पड़ेगी हमारा सिर्फ काम क्या है आपको डायरेक्शन देना तो ठीक है तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही हाँ मैं साथ में ये चीज़ें आप बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जिनको क्वेश्चन चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर ठीक है या फिर और भी टॉपिक्स के ऊपर जो जो आप मतलब आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर उसके क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमारे आ, कुछ ही दिन देर में कुछ ही टाइम के बाद हम आपके वहाँ पे ना क्वेश्चंस देना शुरू कर देंगे ठीक है जो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम जेके एग्जाम ट्रैकर ही है आप आ, अपना प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके ऊपर आपको सारी की सारी क्या मिलेगी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी अपने हमारे डिटेल कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी प्लस आपको वहाँ पे जो हमारे डेली क्विजेज़ होंगे या फिर क्वेश्चन मैं डालूंगा ठीक है यूट्यूब पे तो मे बी आपको मिल ही जाए ठीक है आ, मैं श्योर नहीं हूँ बट हाँ एप्लीकेशन पे मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे ओके तो ठीक है फिर बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ तो अपना ध्यान रखो आप सबके सब अच्छे से पढ़ाई करो और ठीक है अपने सब अच्छे से अपना तैयारी करते रहो तो ठीक है फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ ठीक है जो शायद बायोस्फेयर रिजर्व्स के ऊपर होगा वो मैं देख लूँगा आपका और जो जो हमारे से छूट रहा है ठीक है जो जो आपको लगता है कि सर हमने ये चीज़ें कवर नहीं की हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिएगा तो मैं वहाँ से कवर कर लूँगा मिसलिनियस में मैं सब कुछ कवर करूँगा पीछे एक बच्चे ने मेरे को बोला था कुछ चीज़ें कवर करने के लिए तो वो मिसलिनियस में कवर करूँगा तो डोंट यू वरी अबाउट एनी हमें आपकी बहुत चिंता है ओके okay? तो ठीक है फिर बच्चों जल्दी मिलते हैं आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहो थैंक यू सो मच चलिए ओके थैंक यू सो मच